आप देख सकते हो कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो खुल के आएगा। आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वन करके आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैंने कहा कि इसको हम टाइटल बार कहते हैं, टाइटल बार। और हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप किसी फाइल को ओपन करते हो, डॉक्यूमेंट वन के नाम से ओपन होता है। आप यहां देख सकते हो कि नीचे की तरफ मेनू बार दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, टूल्स है, टेबल है, विंडो है और हेल्प है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 जो है मेनू दिए गए हैं और सभी मेनू के अंदर उसका कमांड दिया गया है। आप देख सकते हैं फाइल के अंदर जितने कमांड्स हैं वो दिख रहा है आपको। इसी तरह आप एडिट पे क्लिक करके देखे जाए, एडिट के अंदर जितने कमांड दिए गए हैं एडिट के अंदर भी आपको शो करेगा। व्यू के अंदर कमांड्स, इंसर्ट के अंदर कमांड्स आपके दिए गए। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करने के लिए आपको मेनू का यूज करना होगा और मेनू के अंदर दिए हुए कमांड्स का उपयोग करना होगा। यही सीखना है आपको, इस मेनू के अंदर जो दिए हुए कमांड्स हैं इसका क्या यूज है, इसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो इंटरफेस है उसके बारे में हम बता लेते हैं कि क्या क्या इंटरफेस में आता है। तो आपने देखा कि इसको मेनू बार कहते हैं, इसके नीचे आपका स्टैंडर्ड टूल बार दिया गया है। मैंने आपको बोला था कि आप इसको खींच के नीचे लाइएगा, इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे टूल्स दिए गए और सभी टूल्स का अपना मतलब है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे टूल्स जिसका यूज आपको बार बार करना होता है, बार बार प्रयोग करना होता है, ऐसे टूल्स को स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर रखा गया है। सही है, आप देखें यहाँ पे अगर आपको नया पेज ओपन करना है तो आप यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, अगर आपको पहले से बनाए हुए फाइल को ओपन करना है तो आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, अगर आपको बना रहे फाइल को सेव करना है तो आप देखें यहाँ सेव का बटन दिया है, ईमेल का बटन दिया है, सर्च का बटन दिया है, यहाँ प्रिंट का बटन दिया है। ये सभी बटन्स आपके वर्क को फास्ट कर देगा, तेज कर देगा। मैंने कहा यही सब काम करने के लिए आपको मेनू के अंदर भी कमांड दिए गए, लेकिन बार बार मेनू में जाने से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस टूल बार का यूज करेंगे जिसका नाम है स्टैंडर्ड टूल बार। ओके, स्टैंडर्ड टूल बार देख सकते हैं, वही बटन जो न्यू का है, ओपन का है, सेव का है, सेव एज द वेब पेज का है, सर्च का है, प्रिंट प्रीव्यू का है, प्रिंट का, यही सब बटन जो है आपको स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर रखा गया है। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल ये है स्टैंडर्ड टूल बार। इसके बाद देख सकते हैं कि अगला जो टूल दिया गया जिसका नाम है फॉर्मेटिंग टूल बार का। हमने कहा कि हम अपने पैराग्राफ को सजाने के लिए, अपने पेज को सजाने के लिए इस टूल बार का यूज करेंगे। ओके, इसमें आप देखें कि आप अपने पेज के ऊपर लिखे हुए पैराग्राफ की स्टाइल को बदलना है तो यहां देख सकते हैं स्टाइल का विकल्प दिया गया है। यहां देखें यहां पे फॉन्ट का विकल्प दिया है, यहां पे फॉन्ट की साइज को बदलने के लिए, यहां बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइनिंग करना, इसके अलावा अलाइनमेंट की जैसे विकल्प आपको यहां पे मिल जाएंगे। देख रहे हैं ये सभी विकल्प आपके पेज के ऊपर, आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर जो है प्रयोग होंगे, जिसको आप देख पा रहे होंगे। इसको मैं सही जगह कर देता हूं जहां इसको रखना है। इसके बाद आप यहां देखे जाए, ये रूलर होता है, इसको स्केल जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी आपका पेज कितना बड़ा है, कितने इंच में आपका पेज ओपन है, यानी कितने से कितने एरिया में आप यहां लिख सकते हो, आप यहां पे देख सकते हो। इसके बाद यहां देखें आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार का विकल्प आता है, यहां से हम अपने पेज को ऊपर और नीचे की तरफ खिसका सकते हैं। और रूलर के ऊपर आप देख सकते हो कि ये इंडेंट है, ये आप फर्स्ट लाइन इंडेंट है और ये लेफ्ट लाइन इंडेंट है। इसकी इधर की तरफ देखें, राइट हैंड में राइट इंडेंट दिया गया और ये आपके पेज के ऊपर से स्क्रॉलिंग बटन दिया है, जिससे आप अपने पेज को ऊपर और नीचे की तरफ खिसका सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहां कुछ लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा रेंड 10, 20, आपने ऐसे लिखा 10, 20 और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर दीजिएगा। ये एक विकल्प होगा जिसके द्वारा हम डिफॉल्ट पैराग्राफ को या रैंडम टेक्स्ट को अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो अब 10 पैराग्राफ हम लिखेंगे तो समय लगेगा आपको दिखाने के लिए। इससे बढ़िया कि आप ये कमांड यूज करिएगा, कमांड आपने देखा रैंड 10, 10 आपको यूज करना है। क्या लिखना है, इक्वल साइन रैंड 10, 10। 10 में पहला 10 जो है आपका पैराग्राफ है और दूसरा जो 10 दिखा रहा है वो सेंटेंस दिखा रहा है, यानी प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर उतने सेंटेंस आपके क्या हो रहे हैं, इंसर्ट हो रहे हैं।
आपको ये कमांड यूज करना होगा। ओके आपने देखा जाए, अब हम इंडेंट का यूज आपको समझाते हैं कि इंडेंट कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं कि तीन तरह के इंडेंट हमने आपको यहां दिखाए हैं, तब तीन तरह के नाम बताए। पहला इंडेंट का नाम हमने लिया है फर्स्ट लाइन इंडेंट है, दूसरा जो हमने बताया कि लेफ्ट इंडेंट है, तीसरा हमने बताया कि राइट इंडेंट है। आप पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिएगा ध्यान से, यहां देखें लेफ्ट बटन को, अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबाएं और अपने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद देखिए मैनुअल तरीका, अगर हम इसको ऊपर की तरफ वाले बटन को सिलेक्ट करके हम उसको आगे की तरफ ले जाते हैं तो इससे क्या होगा कि हर पैराग्राफ की जो पहली लाइन होगी उतना इंच आगे खिसक जाएगी। यानी आपको बता दें कि फर्स्ट इंडेंट यानी फर्स्ट लाइन इंडेंट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को कंट्रोल करता है। क्या करता है? हर पैराग्राफ की पहली लाइन को कंट्रोल करता है। कौन? फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसके बाद हमने आपको बताया था कि फर्स्ट इंडेंट के बाद देखिए नीचे की तरफ लेफ्ट इंडेंट दिया गया, अगर हम इसको खिसकाते हैं तो पैराग्राफ को आपको उतना आगे की तरफ ही खिसका देगा। इसी तरह हम इसको अगर आगे करते हैं तो ये उतना फर्स्ट लाइन को खिसका देगा। इसी तरह अगर हम राइट से अगर खिसकाएं और राइट से हम इसको इधर कर दें तो ये राइट इंडेंट का मतलब है कि ये राइट साइड से उतना जगह आपके पेज के ऊपर छोड़ देगा, यानी ये आपकी राइट बाउंड्री को निर्धारित कर रहा है। इससे आगे आप नहीं जा सकते हो लिखने के लिए और इससे पहले आप नहीं लिख सकते हो, ये आपने देखा था। तो ये इंडेंट का काम होता है। अब हमने आपको बताया कि ये मार्जिन होता है, टॉप मार्जिन, और नीचे की तरफ देखिएगा पेज के ऊपर ये बॉटम मार्जिन दिया है, यानी आप अपने पेज के ऊपर, हाँ वैसे लेफ्ट मार्जिन भी दिया है, इधर राइट मार्जिन भी दिया है। अगर अपने पेज के ऊपर मार्जिन को आप चाहते हो मैन्युअली ऐसे सेट करें, ऐसे घटाएं बढ़ाएं, तो आप यहाँ से मार्जिन को भी अपने पेज के ऊपर लेफ्ट से कितना जगह छोड़ना चाहते हो, राइट से कितना जगह छोड़ना चाहते हो, इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। बताइए इतना सही है, इतना ठीक है? मार्जिन सेट करने के बाद देखें लेफ्ट राइट मार्जिन के बाद यहाँ पे टॉप मार्जिन भी आता है, यानी आप अपने पेज के ऊपर टॉप में कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हो। आप देखिए मैं इसको खिसका रहा हूं तो ये ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है और उतना जगह आपकी टॉप एरिया में छूटता हुआ चला जा रहा है। इसी तरह अगर आपको बॉटम मार्जिन छोड़ना है तो बॉटम में आ जाइए, और बॉटम में अगर आपको ज्यादा लेना है तो आप इसको यहाँ से बढ़ाते चले जाइए, और इसको अगर कम करना है मार्जिन को तो आप इसको नीचे की तरफ खिसकाएं, इससे क्या होगा कि आपका मार्जिन बॉटम का कम होता चला जाएगा। तो ये मैनुअल तरीका है। आगे चल के हम मेनू के अंदर भी पढ़ेंगे कि हम मार्जिन को कैसे सेट करेंगे, इंडेंट की सेटिंग कैसे करेंगे, फिलहाल आपको ये देखना है यहां तक जाए। अब हम आते हैं सीधे से मेनू के ऊपर से। हमने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जितने भी आपको वर्क करने हैं, चाहे वो आपको डॉक्यूमेंट राइट करना है, कोई एप्लीकेशन लिखना है ना जी, कोई नोट्स आप बना रहे हो, उसमें अगर आपको जो है किसी तरह के विकल्प की जरूरत है तो आप वो फाइल मेनू के अंदर कैसे यूज करेंगे, फाइल का कैसे यूज करेंगे, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेनू बार पे आते हैं और मेनू के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला कमांड जो आपका दिया गया है न्यू का, शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन दिया गया है और शॉर्टकट टूल्स भी दिया गया है जो आप स्टैंडर्ड टूल बार पे देख पा रहे होंगे। तो हम इस मेनू के बारे में जानेंगे, इस मेनू में कौन कौन से कमांड्स हैं, क्या क्या विकल्प हैं और किस विकल्प को हम कैसे प्रयोग करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमने आपको बताया है कि न्यू कमांड दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं शॉर्टकट तरीका कंट्रोल प्लस एन और ये शॉर्टकट बटन भी आपको देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस बटन का अगर यूज करते हो या इस ऑप्शन का प्रयोग करते हो या शॉर्टकट बटन का यूज करते हो तो एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा। आप देखें अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको एक नया पेज मिलेगा। अगर आप यहाँ क्लिक करते हो न्यू पे जाते हो तो आपके सामने एक पैन खुल के आएगा, एक पट्टी खुल के आएगा। इस पट्टी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इस तरह का ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर आपको ओपन करना है तो आप इस तरह ओपन कर सकते हो। यही काम हम यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्लोज कर लेते हैं फिलहाल। अभी हम इसको मान लीजिए कि नया यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये भी पैन खुल के आ रहा है और यहाँ पे मुझे ब्लैंक करना पड़ रहा है। लेकिन ये काम आप डायरेक्ट टूल बार से भी कर सकते थे, यहाँ पे आते और यहाँ पे जब क्लिक करते तो आपको एक नया डॉक्यूमेंट पेज मिल जाता। इसके बाद देखिए यहाँ से मैंने इसको क्लोज
क्लोज किया और क्लोज करने के बाद हमने कहा कि हमने कुछ लिखा एक नया पेज खोलने के बाद। अब इस नए पेज के ऊपर आपको कुछ लिख लेना है। लिखने के लिए फिर से हम वही कमांड यूज करते हैं, हमने लिखा रैंड और यहाँ पे आप जितने पैराग्राफ लेने हैं और जितने आपको सेंटेंस इंसर्ट करने हैं उतने आप यहाँ पे ले लीजिए और लेने के बाद जब एंटर करेंगे तो आपके पेज के ऊपर ये क्या होगा, ये मैसेज लिख जाएगा, ये पैराग्राफ कुछ इंसर्ट हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए क्या करेंगे कि हम फाइल मेनू के अंदर जाएंगे और सेव कमांड्स पे हम क्लिक करेंगे। शॉर्टकट तरीका भी आप देखें कंट्रोल प्लस यस या ये बटन दिया गया जो टूल बार आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर दिया हुआ है, हम यहां भी क्लिक कर सकते हैं, वही काम जो मेनू के अंदर कर रहे हैं वही काम आपको टूल बार के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। तो हम चलिए मेनू पे आते हैं और मैंने कहा सेव बटन पे क्लिक करते हैं। हमारे सामने यहां देख सकते हैं कि सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है, ये सेव एज डायलॉग बॉक्स है। अब इसके अंदर आपको जो भी लिखना अपने फाइल के नाम को है आप यहां पे नाम को टाइप करें। यहां लोकेशन पूछा जा रहा है कि आप अपने फाइल को कहां सेव करना चाहते हो। आप देखें फिलहाल हमने शुरू में ही बताया था कि कोई भी अगर हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर जाता है, सबको पता है डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं। या अगर डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं रखना है, डॉक्यूमेंट के अंदर अगर नहीं रखना है तो आपको क्या करना होगा, आप यहां से क्लिक करके सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव एफ ड्राइव कोई भी ड्राइव आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसके अंदर अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। तो यहां कोई भी नाम टाइप कर देते हैं, जैसे मैंने यहां पे टाइप किया, हमने कहा यहां से फाइल का टाइप आप ले लीजिए और सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्या देखा आपने, आपने देखा कि फाइल मेनू के अंदर अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर हमको सेव करना है तो हम सेव ऑप्शन का उपयोग करेंगे या स्टैंडर्ड टूल बार पर यहाँ पे एक बटन दिया है सेव का या शॉर्टकट तरीका कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस यस को दबा के हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको हम सेव कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला विकल्प जो आपके दिए गए हैं क्लोज का दिया गया है ना जी। हमने आपको बताया कि आपने नया फाइल खोला उसके अंदर आपने कुछ लिखा और लिखने के बाद आपने उसको क्या किया सेव किया है। अब बारी है उस फाइल को बंद करने की, उस फाइल को हम क्लोज ऑप्शन पे जाके हम बंद कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल यहाँ पे बंद हो चुकी है लेकिन एप्लीकेशन अभी भी खुला हुआ है, एप्लीकेशन अभी भी ओपन है। अगर हम चाहते हैं कि हम फाइल को दोबारा ओपन करें दोबारा खोलें तो हमको फिर से फाइल मेनू के अंदर ओपन कमांड पे क्लिक करना होगा। शॉर्टकट तरीका देखिए कंट्रोल प्लस ओ या शॉर्टकट बटन आप यूज करेंगे यहाँ पे ये ओपन कर दें, आपको यहाँ ओपन बटन पे क्लिक करना होगा या फाइल मेनू के अंदर ओपन पे क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने जो देख सकते हैं कि आपने जहाँ फाइल को सेव किया था वो आपको यहाँ पे नाम देखें ड्राइव को आप ले लीजिएगा, ड्राइव को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ आपने फाइल को सेव किया था। तो आपको पता है कि आपने डी ड्राइव के अंदर फाइल को सेव किया था, आप यहाँ पे डी ड्राइव रख लीजिए। इसके बाद डी ड्राइव रखने के बाद यहाँ पे आप अपनी फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे, इस तरह आपकी फाइल क्या होगी, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं कि अगला विकल्प आता है फाइल मेनू के अंदर सेव के बाद सेव एज का, देख पा रहे होंगे आप। फर्स्ट टाइम अगर किसी फाइल को आप बना रहे हो सेव कर रहे हो आप नॉर्मली सेव करिए, लेकिन सेव किए हुए फाइल को किसी अन्य नाम से और किसी अन्य लोकेशन पे अगर आपको सेव करना है किसी अन्य फॉर्मेट में अगर आपको सेव करना है तो आप सेव एज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक बार अगर हम फाइल को सेव कर दिए हैं तो बार बार हम उसके अंदर अगर एडिट करते हैं बदलाव करते हैं तो हम नॉर्मली सेव कर देंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसका नाम बदल दें उसका लोकेशन बदल दें उसका फॉर्मेट बदल दें तो इसके लिए आपको सेव एज का प्रयोग करना होगा। आपको पता है कि आपने फाइल को सेव करते समय आपने लोकेशन दिया था और नाम चेंज किया था, नाम रखा था इंग्लिश और डी ड्राइव के अंदर आपने सेव किया था, लेकिन अब की बार मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसका नाम चेंज कर दे रहा हूँ और मैं इसको रख देता हूँ मान लीजिए कि यहाँ पे फिजिक्स, और मैंने इसका लोकेशन अब की बार मैंने डी ड्राइव से बदल के ई ड्राइव रख दिया। ध्यान दें नाम फाइल का पहले इंग्लिश था लेकिन हमने इस फाइल का नाम फिजिक्स रखा और फाइल हमारी डी ड्राइव के अंदर सेव थी, अब हम इस फाइल को ई ड्राइव के अंदर सेव करने जा रहे हैं। आप देखेंगे फाइल का नाम यहाँ टाइटल बार में आप देख सकते हो कि यहाँ नाम बदल गया है, नाम आपका चेंज हो गया है। यानी सेव और सेव एज का प्रयोग हम
एक जैसे तो कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा एडवांस हम बढ़ते हैं सेव एज में, कि हम अगर सेव की हुई फाइल को किसी अन्य नाम से या किसी अन्य लोकेशन पे अगर हम सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज का प्रयोग करेंगे। अब सवाल ये है कि जो पहले डी ड्राइव में फाइल सेव थी, क्या वो फाइल हट गई या उसका नाम चेंज हो गया? नहीं, अभी भी वो फाइल डी ड्राइव के अंदर इंग्लिश के नाम से पड़ी हुई है। आप जाके देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। आप कंप्यूटर खोलिएगा, कंप्यूटर खोलें और कंप्यूटर का डी ड्राइव खोलें, डी ड्राइव में देखें कि अभी भी वो फाइल जो है इंग्लिश के नाम से सेव है। यानी फाइल क्या करता है, सेव एज ए डुप्लीकेट फाइल बना देता है। बात समझिएगा, आप चाहते तो वही नाम रख सकते थे इंग्लिश ही, लोकेशन खाली बदल देते, आप डी के बजाय ई रख दिए होते। आपने क्या किया कि लोकेशन भी बदला और नाम भी बदला, इसलिए आपको लग रहा है कि अलग फाइल बन गया। नहीं, अलग फाइल नहीं है, फाइल वही है लेकिन अलग लोकेशन पे अलग नाम से सेव हो गया है। सेम मैसेज होगा, जो मैसेज हमने डी ड्राइव के अंदर इंग्लिश के अंदर सेव किया है वही मैसेज आपका ई ड्राइव के अंदर फिजिक्स वाले के अंदर सेव हुआ, खाली नाम आपका बदल गया है, नाम आपका चेंज हो गया। तीनों चीज है, नाम भी बदलेंगे, लोकेशन भी बदलेंगे और फॉर्मेट भी बदल सकते हैं फाइल का। ये होता है आपका सेव एज। कोई अगर पूछेगा कि सेव और सेव एज में क्या अंतर है, बता दोगे? कर सकते हो, लेकिन वो चीजें तो सेव में भी हो जाएगा। ठीक है, एक चीज है, सेव का यूज अगर उसी फाइल के अंदर बार बार आप चेंजिंग कर रहे हो तो सेव करते रहिए। सेव का यूज हम जब कर लेते हैं, एक बार जब नाम दे देते हैं तो बार बार उसी नाम के ऊपर जो वो राइट करता चला जाता है। सेव कमांड में वो विकल्प कोई नहीं आता, एक बार जब शुरू में खुलेगा तो खुलेगा, लेकिन बाद में फिर सेव पे क्लिक करेंगे तो कोई विकल्प नहीं आता है, उसी नाम पे उस चीज़ को ऐड कर लेता है। लेकिन सेव एज को आप हर बार सेव एज अगर करते हो तो हर बार विकल्प खुलेगा, हर बार एक विकल्प खुलेगा वही सेव एज वाला, जिसमें आपसे पूछेगा कि नाम क्या रखना है या लोकेशन क्या रखना है ना जी। तो अगर आपको उसी फाइल के अंदर और उसी लोकेशन के अंदर सेव करना है तब सेव एज मत करिएगा, तब आप सेव का ही प्रयोग करिएगा। हमने कहा कि लोकेशन और नाम दोनों बदलना है तब आप सेव एज का प्रयोग करिए। इसमें एक और विकल्प आपका दिया गया है और वो विकल्प है आपका सेव एज वेब पेज का। वेब पेज क्या होता है, जो हम लोग किसी ब्राउजर के ऊपर ओपन करते हैं, गूगल क्रोम के ऊपर, मोजिला फायरफॉक्स के ऊपर, यूसी ब्राउजर अगर आप यूज कर रहे हो, ओपेरा मिनी यूज कर रहे हो, यानी ब्राउजर के ऊपर खुलने वाला जो पेज होता है वो वेब पेज कहलाता है। हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ जो कमांड आपसे कह रहा है वो कह रहा है कि सेव एज वेब पेज, यानी हम अपने फाइल को एज ए वेब पेज में सेव कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि हमारा फाइल ब्राउजर के ऊपर भी ओपन हो जाएगा। ब्राउजर यानी यूसी, ओपेरा, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स जो ब्राउजर आते हैं उस ब्राउजर के ऊपर भी फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। हमने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल अगर सेव और सेव एज के द्वारा सेव की जा रही है, सेव और सेव एज के द्वारा जो है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही वो खुलेगा। लेकिन अगर हम उसको एज ए वेब पेज सेव कर लें तो जब उसको हम ओपन करेंगे, जब उसको हम खोलेंगे तो कहाँ खुलेगा, ब्राउजर के ऊपर खुलेगा। ऐसा क्यों करते हैं, पहला रीजन हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम फाइल को मान लीजिए किसी पेन ड्राइव या मेमोरी के अंदर हम कॉपी पेस्ट करके ले जा रहे हैं और दूसरे सिस्टम के अंदर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और संयोग से वहां माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, तब वो फाइल ओपन नहीं होगी, क्योंकि वर्ड जब उस फाइल को हम खोलेंगे तो वो उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होगा उसको वो सर्च करेगा, अगर होगा तो उस पर खुल जाएगा, नहीं होगा तो उस फाइल को फिर अन्य सॉफ्टवेयर के ऊपर ओपन करने के लिए कहेगा, आपसे पूछेगा, वहां दिक्कतें हो सकती है। लेकिन मैंने कहा कि आप अगर उसको वेब पेज में सेव कर लिए हो तो आज बता दें कि हर सिस्टम में ब्राउजर आता है, कोई जरूरी नहीं कि हर सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आए, लेकिन हर सिस्टम में क्या आएगा, हर सिस्टम में ब्राउजर आता है। डिफॉल्ट ब्राउजर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउजर मिल जाएगा, उस ब्राउजर के ऊपर भी आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हो। या आज आप इजी है, इंटरनेट के द्वारा जो आप किसी भी ब्राउजर को तुरंत डाउनलोड कर लोगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक पेड सॉफ्टवेयर है। पेड मतलब
पैसा दे के आपको परचेज करना पड़ता है, फ्री सॉफ्टवेयर नहीं। आपको इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए अगर लाइसेंस वर्जन आप चलाना चाहते हो तो आपको पेड करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी को, और तब आपको ये सॉफ्टवेयर मिलेगा, लाइसेंस वर्जन आप इसका यूज करोगे। तो जरूरी नहीं कि आपके पास कंप्यूटर है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होगा, जरूरी नहीं। ये वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको इसको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए या तो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में अगर आपके सिस्टम में अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है तो मैंने कहा कि तब आपकी फाइल कहाँ ओपन हो, तब इसी के लिए हमने कहा कि हम उस फाइल को वेब पेज में सेव कर लेंगे जिससे हमारा पेज ब्राउजर के ऊपर ओपन होने लगेगा, क्योंकि हर सिस्टम में ब्राउजर आता है जी, डिफॉल्ट ही रहेगा, लोकली ब्राउजर रहेगा, छोटा ही ब्राउजर रहेगा, लेकिन रहेगा। आप देखिए 1500 का भी मोबाइल खरीदिए आप तो उसमें ब्राउजर आता है, आप देखिएगा। और अगर आप एंड्रॉइड महंगा सेट चला रहे हो तो उसमें भी ब्राउजर डिफॉल्ट कंपनी के द्वारा आता है, लेकिन आप इसको बाद में डाउनलोड कर सकते हो, यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी ब्राउजर, गूगल क्रोम वगैरह के जो ब्राउजर आते हैं उसको आप डाउनलोड करके अपना वर्क कर लेते हो, करते हो ना, जो आसान है 10 से 20 MB, 50 MB तक के आपका ये एप्लीकेशन होता है डाउनलोड कर लेते हो। जबकि इसको डाउनलोड करने में तो आपको कई घंटे लग जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डाउनलोड करना हो तो कई घंटे लग जाएंगे। और ये GB में आता है सॉफ्टवेयर, MB में नहीं, GB में आता है। क्या आपको समझ में आया? सेव, सेव एज वेब पेज। वेब पेज में हम क्यों सेव कर रहे हैं? ताकि हमारी फाइल को ब्राउजर के ऊपर ओपन कर लिया जाए। भाई क्यों? क्योंकि उस सिस्टम में अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है तो उस फाइल को हम ब्राउजर के ऊपर भी खोल लें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अपनी फाइल को आपको एज ए वेब पेज सेव करना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे दिखाता हूं कि आप इस फाइल को सेव करें। एक बार वर्ड मैं एक बार दोबारा सेव एज कर लेता हूं, और सेव एज करके डेस्कटॉप के ऊपर से मैं यहां पे फिजिक्स के नाम से .doc के नाम से सेव करता हूं। डेस्कटॉप पे ले रहा हूं और फिजिक्स मैं सेव किया, सेव हो चुका है। इसी फाइल को एज ए वेब पेज सेव करें। आप आए सेव एज वेब पेज पे क्लिक करें और यहाँ पे आप डेस्कटॉप लोकेशन ही डालिएगा और नाम भी वही रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्मेट आपका वेब पेज आ रहा है, यहाँ पे .html आ रहा है। आप यहाँ पे जब सेव करेंगे तो ये फाइल एज ए वेब पेज सेव हो चुका है। मैं इस पूरे एप्लीकेशन को बंद कर देता हूँ, फाइल को भी बंद कर देता हूँ। आप इसको जरा अरेंज कर लीजिए, सॉर्ट बाई कर लीजिए। आप देखें इसमें हमने आपको दो फाइलें सेव किया है डेस्कटॉप के ऊपर जो है। एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फिजिक्स नाम से फाइल है, ये देखिए वर्ड का लुक आपको दिखाई दे रहा है, और एक जो है ब्राउजर का लुक बना है। आप यहाँ पे देखें, दोनों को ध्यान से देखिए, आप बताइए ये जो हमने सेव या सेव एज के द्वारा सेव किया है वो फाइल आपको दिख रहा था, और ये जो सेव किया है एज ए वेब पेज वो इस तरह दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारे सिस्टम में डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में गूगल क्रोम है, इसलिए गूगल क्रोम का लुक दिखाई दे रहा है ना जी। और वर्ड वाला जो सेव किया है वो वर्ड का लुक दिख रहा है। इसका मतलब वो दिखा रहा है कि अगर आप इस फाइल को ओपन करेंगे, ये जो वर्ड की तरह दिखा रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे खुलेगा, और अगर इसको ओपन करेंगे तो ये गूगल क्रोम पे खुलेगा। इंडिकेशन आपको उधर दिख रहा है, मिल रहा है। अब आप देखें यहाँ पे अगर हम इसको देख भी लेते हैं, जैसे डबल क्लिक करेंगे क्या खुला है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला है। जबकि आप उसको खोल के देखिए, जबकि अगर आप इसके ऊपर ओपन करते हो तो ये क्या करेगा? ये ब्राउजर के ऊपर ओपन करेगा। देखिए ये आपका जो पेज आपका ओपन हुआ है ये गूगल क्रोम के ऊपर ओपन हुआ है। समझ में आया अंतर? दोनों में अंतर पता चला कि एक हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर रहा है और एक हमारे गूगल क्रोम को ओपन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो वर्ड पे खुल रही है, और जो ब्राउजर पे हमने वेब पेज के रूप में सेव किया है वो ब्राउजर के ऊपर ओपन हो रहा है। क्लियर हुआ? हाँ, एक चीज और है, एक चीज और समझिए, इसके फायदे समझिए। इस फाइल को अगर आप कॉपी पेस्ट करके किसी को देते हो तो वो एडिट कर लेगा, इसके अंदर जो भी चेंजिंग करना है आप देखिए इसके अंदर वो मिटा सकता है, कुछ नया इसमें ऐड कर सकता है। लेकिन अगर आपने ब्राउजर के रूप में सेव किया है तो बाबू इस फाइल के अंदर आप एडिट नहीं कर सकते हो, इसमें चेंजिंग नहीं किया जा सकता।
आप देखें इसके अंदर आप चाहो कि हम इसको सिलेक्शन कर लें, सिलेक्शन करने के बाद इसको हम डिलीट कर दें, डेल कमांड से डिलीट कर दें, या कुछ हम इसके अंदर क्लिक करके लिख लें, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वेब पेज के रूप में सेव की हुई फाइल को हम लिख नहीं सकते यहाँ पे, फिलहाल नॉर्मली हम यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते। तो एक फायदा आपको ये भी है कि अगर आप चाहते हो कि उस फाइल को हम वेब पेज में सेव करके दे दें ताकि वो फाइल जब खोले तो केवल पढ़े देखे, उसमें चेंजिंग ना कर सके। एक फायदा और है कि दोनों की जो साइज होगी इसकी प्रॉपर्टीज आप चेक करें, राइट बटन दबा के प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग ये 28 किलोबाइट की ये फाइल बनी है, जबकि ये जो फाइल है जो ब्राउजर के ऊपर सेव है ये मात्र 11 किलो यानी 12 किलोबाइट की जो फाइल ये बनी है। देख लीजिए सीधे आधा 24 और 12। तो वेब पेज में सेव करने के फायदे हैं। अगर आपको किसी को मेल करना है तो ये ब्राउजर वाली फाइल को सेंड कर दीजिए, तुरंत चला जाएगा। क्या आपको समझ में आया सेव, सेव एज और सेव एज वेब पेज? कोई पूछ दिया कि सेव और सेव एज में क्या अंतर है, या कुछ इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि सेव, सेव एज और सेव एज वेब पेज में क्या अंतर है, बताइए। तो तीनों में अंतर है, अंतर है तभी कमांड बना है, अंतर नहीं होता तो कमांड ही नहीं होता जी, क्यों जी? तीनों के अलग अलग विकल्प तो हैं, ये देखिए आप लोग। चलिए हम एक और विकल्प आपको बता लेते हैं और वो है फाइल को सर्च करना। कई बार ऐसा होता है कि हम फाइल बनाते हैं लोकेशन भूल जाते हैं, ड्राइव भूल जाते हैं, या उस फोल्डर को भूल जाते हैं जिसके अंदर हमने फाइल को सेव किया है। अब होता क्या है कि काफी समय से अगर हम खोज रहे हैं फाइल को, खोजते 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 तब मिला, इसी के लिए इस विकल्प को जोड़ा गया है। आपको कंफर्म है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को सेव किया है लेकिन लोकेशन नहीं पता है, नाम पता होना चाहिए, नाम पता है तो आप फाइल में जाएं, जिससे मैं इस फाइल को क्लोज कर दे रहा हूं। फिलहाल फाइल में जाके मैंने सर्च पे क्लिक किया, आपके सामने ये टास्क पेन खुल के आ जाएगा, राइट हैंड में एक पट्टी खुल के आ जाएगी, इसी पट्टी के अंदर जो है आपको अपने फाइल का नाम टाइप कर देना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा। यहाँ चीज आपको समझना है कि किस टाइप की फाइल है, तो इसमें देखिएगा हो सकता है सबमिट ट्रिक लगा हो, एक्सेल की फाइल हो, पावर पॉइंट की फाइल हो, एक्सेस की फाइल हो, तो मैंने केवल वर्ड पे क्लिक किया क्योंकि वर्ड की फाइल को मैं सर्च करने जा रहा हूँ, तो वर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है और सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। कुछ देर वेट करना है आपको, अब जितना आपका सिस्टम फास्ट है, जितना तेज होगा उसके हिसाब से सर्चिंग करेगा और उस फाइल को आपके स्क्रीन के ऊपर लाके रख देगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं वो फाइल हमारे सामने अभी आ जाएगी। देखिए आ चुका है वो नाम, जिस नाम को मैंने सर्च किया है। अब आपको करना क्या है कि इसके ऊपर जब माउस को रखेंगे तो आपको एक लिस्ट नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है और दिखा रहा है कि आपका जो फाइल है उसी ड्राइव के यूजर के एनसीटी के डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ है ना जी, और हमने डेस्कटॉप पे ही सेव किया था, आप याद करना, डेस्कटॉप पे ही हमने फाइल को सेव किया था, बस आप जाके डेस्कटॉप पे देख सकते हो और नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, वो आपकी फाइल यहाँ पे क्या होगी, आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। अब इसको भी आप चाहो तो आप फिर से चेक कर रहा होगी ये फाइल कहाँ है, आप क्लिक करने के बाद भी देख सकते थे, आप जब फाइल पे सेव एज पे जाओगे तो दिखाएगा कि आपकी फाइल ऑलरेडी डेस्कटॉप के ऊपर सेव है। आप चाहो तो इसका लोकेशन फिर से बदल दो, नाम भी बदल दो और सेव कर दो। तो ये होता है आपका सर्च करना। आगे आप देख सकते हैं कि फाइल मेनू के अंदर आगे जो विकल्प आपका दिया गया वो सर्च के बाद वर्जन का दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वर्जन इन देख सकते हैं physics.doc नाम का जो है यहाँ विकल्प आ चुका है और यहाँ पे सेव नाउ का बटन दिया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से सेव जहाँ पे आपको कमेंट ऑन वर्जन का ऑप्शन यहाँ दे रहा है। आप यहाँ पे कोई भी कमेंट्स अपने फाइल के ऊपर अगर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद देखिए वो विंडो गायब हो गया है। अगर हम दोबारा वहाँ जाते हैं फाइल के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग वर्जन का ऑप्शन दिया है, डेट एंड टाइम का ऑप्शन दिखा रहा है और कमेंट्स में जो हमने कमेंट ऐड किया था उस कमेंट को यहाँ शो कर रहा है। अगर हम चाहें तो यहाँ से कमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से कमेंट्स को अगर व्यू करना है तो कमेंट्स को आप देख सकते हो, डिलीट करना हो तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो और चाहो तो फिर से आप नया यहाँ पे कोई भी कमेंट्स ऑन वर्जन ऐड कर सकते हो। तो इस तरह आप वर्जन का विकल्प यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं फाइल मेनू के अंदर, अगला विकल्प आता है देख सकते हैं वेब पेज प्रीव्यू का। क्या करता है ये विकल्प आपको बता दें, हमने आपको शुरू में याद होगा बताया है कि आप वेब पेज में कैसे सेव करेंगे। वेब पेज में सेव करने के बाद फाइल को तब हम जाके देखते हैं कि हमारा पेज कैसा दिख रहा है, लेकिन हमने कहा कि बिना वेब पेज में सेव किए हुए
आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके यानी वेब पेज प्रीव्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपका फाइल कैसा होगा, आपका पेज कैसा होगा जब आप उसको वेब ब्राउजर यानी ब्राउजर के ऊपर ओपन करोगे। इस वेब पेज को जब आप खोलोगे तो ब्राउजर के ऊपर इसका लुक कैसा होगा आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। आपको बताना चाहते हैं कि अगर इस विकल्प का यूज आप कर रहे हो और आप उस लोकेशन पे जाके फाइल को सेव कर रहे हो फिर जाके देख रहे हो, लेकिन मैंने कहा कि आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करें, क्लिक करते ही आपके सामने जो भी आपके सिस्टम का डिफॉल्ट ब्राउजर होगा वो खुलेगा। थोड़ा समय लगेगा, आप देखें, आप देख सकते हैं कि ब्राउजर हमारा गूगल क्रोम डिफॉल्ट है, हमारे सामने ये पेज खुल चुका है और जो पेज हमने बनाया है वो आपको कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करके हम पहले ही देख सकते हैं कि हमारी फाइल कैसी होगी या हमारे फाइल का लुक कैसा होगा जब इस फाइल को अगर वेब पेज में सेव करते हैं और वेब ब्राउजर के ऊपर हम ओपन करते हैं तो लुक कैसा होगा, ये हम पहले ही अपने सिस्टम के ऊपर देख सकते हैं। बिना सेव किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस विकल्प को क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रीव्यू कैसा होगा। आप देख सकते हैं फाइल मेनू के अंदर अगला जो विकल्प आ रहा है वो है आपका पेज सेटअप का। अगर आप जो फाइल बना रहे हो, जो डॉक्यूमेंट पेज बना रहे हो या कोई लेटर या कोई भी एप्लीकेशन टाइप कर रहे हो और इसकी अगर आपको हार्ड कॉपी निकालनी है, इसको अगर आपको प्रिंट आउट करना है तो आपको इसका पेज सेटअप करना ज़रूरी होगा। क्योंकि आपको कैसे पता कि जो पेज हमारे इस स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो कितना जगह लेगा, पेज प्रिंट आउट करते समय वो कितना जगह लेगा, लेफ्ट में या राइट में या टॉप में या बॉटम में वो कितना जगह छोड़ेगा, इन सब की सेटिंग आपको पेज सेटअप में जाके करना होगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि फाइल मेनू के अंदर पेज सेटअप नाम का विकल्प दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये जो डायलॉग बॉक्स खुला है इसका नाम है पेज सेटअप। इसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम पेपर के ऊपर बात करेंगे। यहाँ देख सकते हैं पेपर की साइज की बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो भी पेपर साइज आती है वो सभी साइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो अभी फिलहाल लेटर साइज दिखा रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ देखें टैबलॉइड दिया है, लीगल दिया है, एक्सक्यूटिव दिया है, A3 है, A4 है, B4 है, B5 है, मतलब हर तरह के पेपर साइज आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि A3, B3 या जो भी पेज आपको शो कर रहा है, वैसे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला पेपर जो है आपका A4 है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका साइज यहाँ पे आपको शो करता है, यहाँ देख सकते हैं। मैंने बताया कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब साइज क्या है, लीगल, एक्सक्यूटिव, तो आप एक काम करिएगा, जिस पेज के ऊपर आप प्रिंट आउट करना चाहते हो उस पेज की विड्थ स्कोर और हाइट को माप लीजिएगा। स्केल उठाएंगे और स्केल से आप क्या करेंगे, उस पेज का विड्थ और उसकी हाइट को आप यहाँ से माप लीजिएगा और मापने के बाद उसका विड्थ और हाइट को आप यहाँ से देखिएगा। अगर अधिक है, मान लीजिए 9 इंच में, यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं। इस प्रीव्यू विंडो को भी ध्यान से देखें, अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो इसकी चौड़ाई देखिए यहाँ पे बढ़ रही है और अगर कम कर रहे हैं तो यहाँ पे चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। इसी तरह अगर हाइट को बदलना है तो आप यहाँ से उसकी हाइट को भी चेंज कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि पेपर पर आप पेपर की साइज को आप स्केल से मापिए और उसकी साइज को आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद आपको मार्जिन वाले भाग में आना है, बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प है। प्रिंट आउट करने से पहले ये जरूर आपको जान लेना चाहिए। अगर आप नहीं इसके बारे में जानते हो और ये सेटिंग आपको नहीं आती है तो दिक्कत होने वाली है, प्रिंट आउट करते समय आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आपको पेपर सेटअप करने के बाद मार्जिन भी सेट करना होगा। और ये मार्जिन सेट करने के लिए आपको बता दें कि मार्जिन नाम का टैब बना हुआ है, आप पेज सेटअप में जाके मार्जिन टैब पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विकल्प आएगा जिसमें सबसे पहले टॉप मार्जिन के बारे में पूछा जा रहा है। आप यहाँ देखें टॉप मार्जिन में, यानी यहाँ टॉप का मार्जिन दिखा रहा है, यानी ऊपर आपके पेज के ऊपर कितना जगह छोड़ना है, कितना छूटना चाहिए, वो आप टॉप मार्जिन में सेट करेंगे। डिफॉल्ट देख सकते हैं टॉप मार्जिन का जो एरिया है वो 1 इंच का दिया है, बॉटम मार्जिन भी 1 इंच का दिया हुआ है, लेफ्ट में भी आप देखें 1 आपका 1.25 इंच का है, राइट में भी 1.25 इंच है और ये यहाँ पे गटर का भी ऑप्शन दिया है। तो फिलहाल टॉप का मार्जिन अगर लग रहा है सही है,
बॉटम का मार्जिन लग रहा है कि ज्यादा है, तो आप इसको यहाँ नीचे वाले बटन पे क्लिक करें और यहाँ से डाउन से क्लिक करते हुए इसकी मार्जिन को कम कर लीजिए। लेफ्ट में अगर लग रहा है कि नहीं इसको एक इंच होना चाहिए, आप एक इंच कर लीजिए। अगर लग रहा है कि नहीं राइट में ज्यादा जगह छूट रहा है, तो आप इसको एक इंच या इससे भी कम जितना चाहते हो कर लीजिएगा। इसके बाद आता है बैंडिंग के लिए, स्पेशली बैंडिंग के लिए कितना जगह छोड़ना है। आप यहाँ पे क्लिक करके ये सेटिंग करेंगे। अब देखें जैसे हम इसको क्लिक करके आप वैल्यू को बढ़ाएंगे, यहाँ पे बैंडिंग के लिए स्थान जो यानी गटर का स्थान जो है कितना होना चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर पाएंगे। देखिए मार्जिन एरिया अलग होती है और बैंडिंग का स्थान अलग होता है। अगर ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तो प्रिंट आउट में प्रिंट आउट तो हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको एक बुक का रूप देंगे, जब आप इसको स्टेपल करेंगे, पंच करेंगे या इसको आप बुक का रूप देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपने लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़ा हुआ था, जो गटर छोड़ा हुआ था, नहीं छोड़ा, कम छोड़ा है, तो उस कंडीशन में वो मैटर भी दब जाएगा जो आपने लिखा हुआ है। इससे क्या होगा कि उस बुक को पढ़ने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए आपको सही जगह छोड़ना जरूरी होता है। जब तक सही जगह नहीं छोड़ेंगे, आपको बता दें कि आपको दिक्कत आएगी उस किताब को पढ़ने में, प्रिंट आउट करने के बाद सारा बेकार हो जाएगा पेज आपका। इसलिए आप पहले से निश्चित कर लें कि टॉप मार्जिन कितना होना चाहिए, लेफ्ट मार्जिन कितना होना चाहिए, बैंडिंग के लिए स्थान कितना होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि बैंडिंग का स्थान किधर होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। अभी फिलहाल लेफ्ट में दिखा रहा, आप यहाँ पे प्रीव्यू में देखें, अगर हम इसको टॉप कर देते हैं तो देखें टॉप में चला गया, अगर हम राइट कर देते हैं तो ये राइट में मूव कर गया। ठीक है, तो बहुत सारे आपने बुक्स वगैरह देखे होंगे जिसमें टॉप बैंडिंग होती है, राइट साइड की भी बैंडिंग होती है, ये सब चीज़ें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं ओरिएंटेशन का विकल्प दिया गया। ओरिएंटेशन क्या होता है, प्रिंट आउट करते समय दो तरह के ओरिएंटेशन का इस्तेमाल होता है। पहला जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट का मतलब आपको समझना है कि पोर्ट्रेट का मतलब ये है कि पेज की हाइट अधिक होगी, चौड़ाई कम होगी, ये होता है पोर्ट्रेट। और एक होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब है कि पेज की चौड़ाई अधिक होगी और क्या होगी, ऊंचाई या लंबाई कम होगी, हाइट कम होगी। अगर आपको पेज की चौड़ाई कम रखनी है, हाइट को अधिक रखनी है, तो उस कंडीशन में आप पोर्ट्रेट को रखेंगे, और अगर चौड़ाई को अधिक और लंबाई यानी हाइट को कम रखना है तो आप लैंडस्केप को चूज करेंगे। क्लियर है, तो आपको कैसे रखना है, बैंडिंग के लिए स्पेशली हम लेफ्ट में ले लेते हैं, लेफ्ट ही रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे मल्टीपल पेजेस के लिए ऑप्शन दिया है, मिरर पेज भी आप यहाँ पे सेटिंग में ले सकते हो, टू पेज पर सीट ले सकते हो आप ऐसे ऐसे फोल्ड करने वाला से, तो ये सब सेटिंग जो आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है ठीक वैसे ही प्रिंट आउट के रूप में ये इस्तेमाल करेगा, प्रिंट आउट के रूप में प्रयोग करेगा। तो मैं नॉर्मल लगता हूँ। अब देखिएगा ये सब सेटिंग जब कर लें तो लेआउट्स वगैरह भी टैब दिया हुआ है, इस पर हम बात करेंगे आगे चल के, लंबा होगा इसलिए हम जहाँ जो चीज़ें जरूरत पड़ेगी वहाँ पे बात करेंगे। फिलहाल पेज सेटअप में मार्जिन और पेपर सेटिंग जरूरी है, इसलिए हमने ये सेटिंग बताया आपको। इसके बाद जब आप ओके करेंगे यहाँ पे पोर्ट्रेट करने के बाद जब आप ओके करेंगे तो आपकी पेज सेटिंग कर दी गई है। यानी जो सेटिंग आपने मार्जिन के रूप में, टॉप मार्जिन के रूप में, लेफ्ट मार्जिन के रूप में, राइट मार्जिन के रूप में आपने सेट किया है, इसके अलावा जो स्पेशली बैंडिंग के लिए जगह छोड़ा आपने गटर का और पोजीशन जो दिया लेफ्ट साइड में, उसके हिसाब से आपका पेज सेट कर दिया गया है। अब आप चाहते हो कि हमने जो सेटअप किया वो सही है अथवा नहीं है, इसको कैसे देखा जाएगा, तो इसको देखने के लिए फाइल मेनू के अंदर ही विकल्प जुड़ा गया है और वो है प्रिंट प्रीव्यू। आप देख सकते हो पेज सेटअप के बाद प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प जुड़ा गया है। प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प हम इस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारे द्वारा किया गया सेटिंग सही है अथवा नहीं। ये पहले ही आपको प्रिंट आउट से पहले देख लेना होगा कि हमने जो पेज सेटअप में सेट किया है वो सही है अथवा नहीं है। अगर सही है, आपको दिखाई दे रहा है कि टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन सब कुछ सही है, तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं राइट में मार्जिन और कम होना चाहिए, तो आप फिर से जो पेज सेटअप के अंदर जाएंगे, मार्जिन वाले भाग पे जाएंगे और राइट मार्जिन को यहाँ से और क्या करेंगे, और जितना कम करना है यहाँ से कम करके जब ओके करेंगे और यहाँ पे इग्नोर कर दीजिएगा, फिर से आप जाएं प्रिंट प्रीव्यू के अंदर और देख सकते हैं कि अभी हमारा मार्जिन सही हो चुका है। अगर सब कुछ सही है, आप इसको जो यहाँ से जूम आउट कर सकते हो, जूम करके देख सकते हो, 25, 23, 55 ऐसे करके आप जूम आउट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ सही है, तो आप यहाँ पे क्लोज करेंगे।
क्लोज करने के बाद अब बारी है इसको प्रिंट आउट करने की। प्रिंट आउट करने के लिए आपको फाइल मेनू के अंदर जाना होगा और देख सकते हैं अगला कमांड जो दिया गया प्रिंट का दिया गया है या शॉर्टकट तरीका कंट्रोल प्लस पी बटन का दिया गया है। आप जब इस पे क्लिक करेंगे या ये बटन बार देख सकते हो, ये स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर जो है प्रिंट का बटन दिया है, आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड टूल बार है और स्टैंडर्ड टूल बार पर ये बटन दिया गया प्रिंट आउट का। ये शॉर्टकट तरीका भी होगा अगर आप मेनू के अंदर नहीं जाना चाहते हो, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पी को आप नहीं प्रेस करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, आप स्टैंडर्ड टूल बार पर इस बटन को भी प्रेस कर सकते हो। फाइल मेनू के अंदर आते हैं और मैंने कहा कि आप इस कमांड पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इसमें किस तरह की सेटिंग करनी है ये समझना जरूरी है। सब कुछ सेटअप कर लिया हमने, एक डॉक्यूमेंट बना लिया, डॉक्यूमेंट का पेज सेटअप कर लिया, प्रिंट प्रीव्यू भी देख लिया, तो जरूरी है कि हम उसका प्रिंट आउट भी करें। तो प्रिंट आउट करने के लिए जब आप प्रिंट कमांड का यूज करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल के आएगी जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रिंटर का आप यूज कर रहे हो। यहाँ पे जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, एप्सन का, एचपी का, या जो भी प्रिंटर आपने जिस कंपनी कि आपने ड्राइवर इंस्टॉल कर रखा है प्रिंटर के लिए, उसका नाम यहां पे शो करेगा। फिलहाल हमारे सिस्टम में कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है इसलिए नाम नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इंस्टॉल होता तो यहां पे क्लिक करने पे नाम दिखाई देता, एप्सन दिखाता, एचपी दिखाता, इंकजेट दिखाता, कैनन, जो प्रिंटर के जो ऑप्शन जो आते हैं वो सब यहां पे। हां, ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उस प्रिंटर के साथ ही आता है। आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके नाम यहाँ पे लिस्ट करने लगेगा। आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि जो प्रिंट आउट करने जा रहे हो वो किस प्रिंटर से करने जा रहे हो, उसकी सेटिंग आपको यहाँ पे करनी होगी, यानी उस प्रिंटर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पेज रेंज क्या होगा। पेज रेंज में आप यहां देखें जाए कि सबसे पहले आल का विकल्प दिया गया है। अगर आप इस विकल्प को सिलेक्ट करते हो, ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो आपको बता दें कि आपकी फाइल में जितने पेज बने हैं अगर आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हो या ओके ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो उन सभी पेजों को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब यहां देखें करेंट पेज का ऑप्शन दिया गया है। करंट पेज के बारे में आपको समझना है, करंट पेज का मतलब क्या है कि जो पेज हमारा सामने है या जिस पेज के ऊपर हमारा कर्सर है वो पेज हमारा करंट पेज है। अभी फिलहाल आप देखें जाए कि हमारा जो करंट पेज है वो 1 है। यहाँ पे स्टेटस में आप देखें जाए, स्टेटस बार में यहाँ पे शो कर रहा है पेज 1 और यहाँ पे भी दिखा रहा है 1/2, यानी इस फाइल के अंदर 2 पेज हैं और आप पहले पेज पर हो। अगर हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं, अगर कर्सर को हम सेकंड पेज के ऊपर ले जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं पेज नंबर 2 स्टेटस बार में देखें आप, और यहाँ 2/2 देखिए, अभी हम फाइल के अंदर प्रिंट पेज आते हैं और अगर हम करेंट करते हैं तो करेंट का मतलब कौन सा पेज प्रिंट होगा, पेज नंबर 2 प्रिंट होगा, यानी जिस पेज को हमने करंट कर रखा है, जिस पेज के ऊपर हमारा कर्सर है या जो पेज हमारे सामने है वो पेज हमारा करंट पेज होगा और प्रिंट आउट करते समय वही पेज हमारा प्रिंट आउट के रूप में निकलेगा। अब आते हैं पेजेस के ऊपर से। हमने कहा कि अगर आपकी फाइल में बहुत सारे पेज बने हुए हैं और आप अपने चुने हुए पेज को ही प्रिंट आउट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि पेज नंबर 1, पेज नंबर 5, पेज नंबर 7 प्रिंट हो, वैसे आप 1, 2, 3, 4 करना है तो आप यहाँ पे लिखते चले जाइए जिन पेजों को प्रिंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन आपको इस तरह समय लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि हमको 1 से लेकर 5 तक के पेज को प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे 1 और डैश का सिंबल दीजिएगा माइनस के लिए और यहाँ पे माइनस साइन दबा देंगे, डैश ले लेगा और यहाँ पे लिख देंगे 5। इसका मतलब क्या हुआ, 1 to 5, यानी 1 से लेकर 5 तक के पेज को ये प्रिंट कर देगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी फाइल के अंदर बहुत सारे पेजेस बने हैं और आप चाहते हो कि 1 से लेकर 5 तक के पेज को प्रिंट करें तो आप लिखिएगा 1-5। क्या करेगा, फर्स्ट पेज को प्रिंट करेगा, सेकंड को भी, क्योंकि देखिए बार बार आप 1, 2, 3, 4 लिखेंगे समय लगेगा, लगेगा ना, इस समय को बचाने के लिए मैंने क्या किया है, 1-5 कर दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम चुने हुए पेज को ही प्रिंट करें, जैसे मान लीजिए 1, 5, 9, 12, तो आप इस तरह के ऑप्शन चूज कर सकते हो। मैंने कहा कंटिन्यू अगर पेजों को प्रिंट नहीं करना है, चुने हुए पेजों को ही लेना चाहते हैं, सिलेक्टेड पेज को ही हम प्रिंट आउट करना चाहते हैं, तो आप सेपरेट कर जाइएगा, कामा से सेपरेट करिएगा, कामा यूज करेंगे और
उन पेज के नंबर को आप लिखते हुए चले जाइएगा जिनको जिनको आप प्रिंट आउट के रूप में चाहते हो। बस आपको क्या करना होगा, आपको इतना सेटिंग करने के बाद यहाँ ओके बटन पे क्लिक करना होगा, प्रिंट हो जाएगा। ध्यान देना है, अगर आप रेंज डिफाइन कर रहे हो तो आपको फर्स्ट पेज बीच में डैश सिंबल लगाना है, डैश के लिए माइनस साइन लगा दीजिएगा और लास्ट पेज का नंबर डाल दीजिएगा। लेकिन अगर चुने हुए पेजों को ही प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आपको कामा के साथ सेपरेट करना पड़ेगा और उन पेजों के नंबर को आपको लिखना पड़ेगा, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो आपने देखा था कि आल का मतलब, करंट का मतलब और पेजेस का मतलब। अब बारी है सिलेक्शन। सिलेक्शन देखिए अभी हाईलाइट नहीं है, इसलिए क्योंकि आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं किया है। अब देखिए, अगर आप चाहते हो कि इस पूरे पेज में से केवल यही पैराग्राफ प्रिंट आउट हो, ध्यान दें, अब मैं चाहता हूं कि केवल यही पैराग्राफ हमारा प्रिंट आउट हो, बाकी ऊपर के जितने पैराग्राफ हैं और नीचे के जितने पैराग्राफ वो छूट जाए। फर्स्ट पेज के ऊपर ये पैराग्राफ जो मैंने सिलेक्शन किया है केवल यही प्रिंट आउट हो, तो आपको फाइल के अंदर जाना होगा और फाइल में प्रिंट कमांड पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने ये विंडो खुलेगा और देखिए ये सिलेक्शन अब काम करने लगा है, जो पहले काम नहीं कर रहा था अब ये ऑन हो गया है। बस आपको सिलेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ जब आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ये आपकी फाइल को प्रिंट आउट के रूप में प्रिंट आउट करके आपको दे देगा। सिलेक्शन भी क्लियर हुआ। सिलेक्शन का यूज कब करना है, सिलेक्शन का यूज जब पूरे पैराग्राफ में से केवल चुने हुए पैराग्राफ को ही प्रिंट आउट करना हो तो आप सिलेक्शन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अब आगे देख सकते हैं कि आगे कॉपीज का ऑप्शन दिया गया। कॉपीज में आपको समझना है कि जो भी आप चाहे आल का ले रहे हो, करेंट पेज का ले रहे हो, पेजेस का ले रहे हो या सिलेक्शन का ले रहे हो, इसमें से आपको किसको प्रिंट आउट करना है और कितनी कॉपीज आपको लेनी है। नंबर ऑफ कॉपीज आपसे पूछा जा रहा है कि उस सिलेक्ट किए हुए पेज या आल पेज या करेंट पेज की कितनी कॉपियां आपको चाहिए। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज की संख्या को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे आइएगा और यहाँ से जितनी कॉपी आपको चाहिए आप यहाँ से प्रिंट आउट के रूप में सिलेक्शन कर सकते हो, यहाँ से आप ले सकते हो। इसके बाद देखिएगा, अगर आप देखिए मान लीजिए बहुत सारे पेजेस आप ले रहे हो प्रिंट आउट के रूप में दें, अगर हम आल पेज को ले रहे हैं मान लीजिए, तो आल पेज में प्रिंट आउट कैसे करेगा। मान लीजिए हमको आल पेज में तीन तीन कापी सबकी चाहिए रहे, तो क्या आप चाहते हो कि एक से लेकर दस तक पहले प्रिंट कर ले, फिर एक से लेकर दस तक प्रिंट करें, फिर एक से लेकर दस तक प्रिंट करें, या आप चाहते हो कि नहीं पहले आप पहले पेज का तीन कापी निकाल लीजिए, फिर दूसरे पेज का तीन कॉपी निकालिए, फिर तीसरे पेज का तीन कॉपी निकालिए। तो इसके लिए यहाँ पे एक विकल्प दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 है। यहाँ पे अगर आप इसको हटा देते हो तो देखिएगा ये क्या करेगा, पहले पेज की दो कॉपी या तीन कॉपी जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया है और दूसरे पेज की दो कॉपी और तीसरे पेज की, बात समझ गए। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो रेंज आपने डिफाइन किया अपने पेज के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपके फाइल के अंदर 10 पेज है, तो क्या करेगा, एक से लेकर 10 तक की पेज को प्रिंट कर देगा। क्योंकि नंबर ऑफ कॉपीज की संख्या आपने 3 रखा है तो फिर एक से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा और फिर क्या करेगा, तीसरी बार फिर एक से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं ऐसा ना हो, वो क्या करे, पहले फर्स्ट पेज की 10 कॉपी निकाल ले, फिर सेकेंड कॉपी की सेकेंड पेज का 10 कॉपी निकाले, फिर थर्ड का भी 10 कॉपी निकाल ले, तो इस ऑप्शन को जो यहां से चेक को चेकआउट को हटा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जूम का भी ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से जूम आउट भी कर सकते हो। जूम आउट में क्या है, पेपर पर सीट। अगर मान लीजिए ये सेटिंग आप यहाँ से नहीं कर रहे हो, ये सेटिंग आप अगर यहाँ से नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे पेजेस पर सीट का ऑप्शन दिया है, पेज की कितनी कॉपीज हैं आप चाहते हो। यहाँ पे पेजेस पर सीट 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, ये सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसके अलावा स्केल का भी ऑप्शन दिया है, वही जो पेज सेटअप में हम आपको दिखा चुके हैं कि आप यहाँ से अगर आपने पेज सेटअप नहीं किया है, पेज की साइज को नहीं सेलेक्ट किया है, तो आप वो सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से भी आप लेटर, टैबलॉयड, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A3, A4 जैसे पेज की साइज को आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कि प्रिंट व्हाट का ऑप्शन दिया है कि क्या आप प्रिंट आउट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज आप ले रहे हो, डॉक्यूमेंट शोइंग मार्कअप ले रहे हो या लिस्ट ऑफ मार्कअप ले रहे हो या स्टाइल क्या आप ले रहे हो। तो अगर डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट लीजिएगा। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन में देखें ऑल पेजेस इन रेंज, या यहाँ पे एक विकल्प देखें ऑड और इवन का भी ऑप्शन दिया है।
और इवेंट समझना है। यानी आपकी फाइल में अगर 10 पेज है तो अगर हमने ऑड को सिलेक्ट किया है तो क्या करेगा वो विषम यानी विषम संख्याओं को पहले प्रिंट करेगा, यानी पहला पेज, तीसरा पेज, पांचवा पेज, सातवां पेज और नौवां पेज प्रिंट होगा। और अगर इवेन लेते हैं, इवेन लेते हैं तो 2, 4 यानी एक को छोड़ देगा, 2 को प्रिंट करेगा, 3 को छोड़ेगा, 4 को प्रिंट करेगा, 5 को छोड़ेगा, क्योंकि सम और विषम में बांट देगा पेज को प्रिंट आउट करते समय। और सम को एक बार और विषम को आप दूसरी बार प्रिंट आउट के रूप में निकाल सकते हो। इस तरह ये सेटिंग आप यहाँ पे करके जब अपने हिसाब से आप सेट कर लो तो आपको प्रिंट आउट ऑप्शन का प्रयोग करके अपने एक एक पेज को क्या करना है, प्रिंट आउट कर लेना है। फाइल मेनू के अंदर अगला जो विकल्प आपका दिया गया है सेंड टू का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इस फाइल को बनाए जा रहे फाइल को किसी दूसरे को क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वाईफाई की सुविधा हो, ब्लूटूथ की सुविधा हो या डाटा केबल से भी आप अपनी इस फाइल को दूसरे को सेंड कर सकते हो। दूसरे को भेजने का मतलब कि दूसरे सिस्टम में भेजना है अगर आप चाहते हो तो। इसके बाद प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिया गया, आप इस पे देखें, क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने जो देख सकते हैं कि कई टैब बने हुए प्रॉपर्टीज में, तो मैं जनरल टैब पे क्लिक करता हूं। जनरल टैब में आप देख सकते हैं कि हमने जो फाइल बनाया उसका नाम दिखा रहा है physics.doc। यहाँ पे टाइप बता रहे कि ये फाइल कहाँ ओपन होगी, कहाँ बनाई गई है, लोकेशन दिखा रहा है कि आपने इसको कहाँ सेव किया है और इसकी साइज दिखा रहा है कि कितना साइज मेमोरी पे ले रखा है। इसके नीचे आ जाइए तो MS-DOS फाइल नेम दिखा रहा है और यहाँ पे क्रिएटेड दिखा रहा है कि सैटरडे अक्टूबर 22, 2022 को 1:21:16 पर जो इस फाइल को जो है PM दिखेगा ये बनाया गया था। मॉडिफाइड डेट दिखा रहा है 26 तारीख और SS डेट दिखा रहा है 26 तारीख। ये आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज में जाके। समरी में देखिएगा, समरी में आप यहाँ पे इस फाइल के लिए आप टाइटल दे सकते हो, टाइटल क्या है, सब्जेक्ट दे सकते हो, यहाँ पे ऑथर का नाम लिख सकते हो जो राइटर है, यहाँ पे मैनेजर अगर किसी कंपनी को भेज रहे हो कंपनी के नाम लिख सकते हो। इसके अलावा देखिए स्टैटिक्स में जाएंगे तो स्टैटिक्स में भी कुछ ऐसे विकल्प आते हैं कि कब क्रिएट किया गया था, कब मॉडिफाई हुआ, कब एसेस हुआ। यहाँ देखें कि इस फाइल के अंदर यहाँ पे कुछ जरूरी चीजें आपको दिखाई गई है। यहाँ देखें कितने पेज हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, कितने लाइंस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर हैं और कितने कैरेक्टर विथ स्पेसेस, ये सब कुछ आपको यहाँ पे वैल्यू के रूप में शो कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा विकल्प है प्रॉपर्टीज ऑप्शन है। कैसे खोलेंगे, फाइल मेनू के अंदर आपको जाना होगा और प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करके आप ये सब चीजें जो है जनरल टैब, समरीज, स्टैटिक्स, कंटेंट्स और कस्टम जैसे विकल्प को आप यहाँ पे शो कर सकते हो, देख सकते हो। इसके बाद देखते हैं फाइल मेनू के अंदर अगला विकल्प आता है, वो है ये जो विकल्प आप देख रहे हो, ये विकल्प कोई कमांड नहीं है बल्कि हाल ही में जिन फाइलों को हमने ओपन किया था, जिन फाइलों को हमने खोला था उन्हीं को क्या कर रहा है, ये उन्हीं को यहाँ शो कर रहा है। इसका फायदा आपको बता दें कि अगर इस फाइल को आपको दोबारा ओपन करना है, मान लीजिए कि हमने किसी फाइल इस फाइल को क्लोज कर दिया है, सपोज मान लीजिए कि हमने फाइल को बंद किया है और हम चाहते हैं कि उसको ओपन करें, तो आप यहाँ से ओपन करने के बजाय आप यहां जाओगे, इससे बढ़िया होगा कि आप फाइल के अंदर ही आप यहां पे क्लिक करके उस फाइल को डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। यानी फाइल को ओपन करने के लिए आपको ओपन कमांड का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये जो रिसेंटली हमने हाल ही में जिन फाइलों को ओपन किया है, जिनको बनाया है, उनको यहां पे शो करता है, उनको यहां पे दिखाता है। तो डायरेक्ट हम यहां से भी फाइल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, फाइल को हम खोल सकते हैं। इसके बाद अगला विकल्प आता है एग्जिट, जो फाइल मेनू का लास्ट विकल्प है, लास्ट कमांड है। एग्जिट का मतलब आपको समझना है, एग्जिट कमांड पे हम क्लिक करेंगे तो पूरा एप्लीकेशन को ही बंद कर देगा। आप देख सकते हो।